जय हिंद सभी फौजी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटनाएं जो बहुत बड़ी नुकसानदायक और जानलेवा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। बढ़ती हुई भारत की पॉपुलेशन के साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट के केसेस हर दिन बढ़ते जा रही है। मोटे मोटे तौर पे भारत में चार तरह की रोड है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल या विलेज रोड। इन सभी रोड के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के जिम्मेदारी भी अलग अलग अथॉरिटीज के होते हैं। भारत में रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं? रोड एक्सीडेंट मेनली तीन वजहों से होते हैं, ह्यूमन एरर, रोड कंडीशन एंड एनवायरनमेंट, व्हीकल कंडीशन एंड मेंटेनेंस। आज की घड़ी में 10 में से 7 रोड एक्सीडेंट सिर्फ एक ही वजह से होते हैं, वह है ओवर स्पीडिंग। नशा करके गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट नहीं बांधना, हेलमेट नहीं पहनना, ये भारत के लिए आम बात हो चुकी है। भारत का रोड कंडीशन एंड एनवायरनमेंट। विकसित देशों का रोड कंडीशन ये है और भारत का कुछ रोड कंडीशन ये है। इनका मेन कारण है जल्दी में किए हुए काम और नेग्लिजेंसी, इनकी वजह से हम पे भारी पड़ता है और जानलेवा हादसा हो जाता है। मौसम की खराबी जैसे हैवी रेनफॉल, फॉगी कंडीशन में भी कार या बाइक चलाते समय सावधानी से चलाना जरूरी है। बाइक या स्कूटी चलाते समय रिफ्लेक्टिंग जैकेट के उपयोग आपको रात के समय और फॉगी कंडीशन में भी रोड एक्सीडेंट होने से बचाव करते हैं, नहीं तो इसका असर हम जैसे फौजियों पर भी पड़ते हैं जब हम छुट्टी पे होते हैं। ऐसे कई केसेस अक्सर सुनने को मिलते हैं, छुट्टी के दौरान एक्सीडेंट में जवानों की मौत। हम भूल जाते हैं हमारे परिवार भी हमारा इंतजार कर रहा है। व्हीकल मेंटेनेंस एंड कंडीशंस। हम हमेशा गाड़ी खरीदते समय ब्रांड, टॉप स्पीड, माइलेज और तो और कलर भी देखते हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग भूल जाते हैं। भारत में ऐसे कई गाड़ियां हैं जो क्रैश टेस्टिंग में अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिलते हैं, ऐसी गाड़ियां ही खरीदें। गाड़ी की टाइमली मेंटेनेंस ना होने से अचानक हाईवे पे खराब हो जाता है, इससे भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? भारत की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके अक्सर एक्सीडेंट होने वाली लोकेशन यानी ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना और 24/7 एम्बुलेंस की फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि इससे कम से कम समय पे विक्टिम को रेस्क्यू कर सके। भारत की नदियों का नेटवर्क एक बढ़िया नेटवर्क हो सकता है और पीएम गति शक्ति योजना के जरिए वाटरवे डेवलपमेंट सिस्टम को और तेजी से करना चाहिए, इससे रोड डिपेंडेंसी कम हो सकता है। भारत के हर नागरिक को ट्रैफिक रूल, जेब्रा क्रॉसिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट के बारे में बार बार दोहराना पड़ेगा। ग्रीन का मतलब तेजी से गाड़ी चलाना, येलो का मतलब बिना रुक के चलाना और रेड का मतलब ट्रैफिक हवलदार है या नहीं देख के फिर चलाना, ये आदत छोड़ना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल तोड़ने पे सेवियर पनिशमेंट देना भी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को और डेवलप करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी इस्तेमाल करने के लिए इंक्रेज करना चाहिए, इससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटनाएं कम होगी, साथ ही साथ पोल्यूशन भी कम होगी। हमेशा कोशिश करें छोटी दूरियों पर पैदल से चलना और साइकिल का इस्तेमाल करने से आपकी सेहत भी अच्छा होगा। इस वीडियो को सभी हमारा फौजी जवान और उनकी परिवारों तक पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए। आपका एक शेयर एक व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट होने से आप बचा चुके हैं और आप भी हमेशा चौकन्ना रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।